Hey everyone, this is Shazli and welcome to welcome to Zoom Commerce. आज डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में. सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डिस्कस करने वाले हैं आज हम. ये हमारी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की पहली वीडियो है जिसमें पहला एक्ट हम कवर अप करने वाले हैं, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सो वील स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है ये वाला एक्ट हमारा. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एक्सटेंड करता है टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. यानी जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं है. कब एनफोर्समेंट में आया? 1 जुलाई 1930 के बाद में. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो होता है वो इंक्लूड करेगा सेल एज वेल एज अगर हमने कोई अग्रीमेंट किया है सेल करने के लिए. अग्रीमेंट टू सेल, मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे मैंने जाकर के बोला कि मुझे ये सोफ़ा ख़रीदना है, अभी सेल नहीं हुई है. मान लो मैंने एक सोफ़े का ऑर्डर दिया कि मुझे ऐसा ऐसा एक सोफ़ा बना देना. दिस इज़ वॉट अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है. मैंने बोला कि मैं एक महीने के बाद आऊँगी और ये सोफ़ा आपसे लेके जाऊँगी. अभी यहाँ पे एक्चुअल सेल नहीं टेक प्लेस करी है, लेकिन ये जो अग्रीमेंट टू सेल है दिस वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. पहले जो हमारा एक्ट था इट वॉज इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. फिर आपका 1963 में जो वर्ड इंडियन था वो आपका हट गया, क्योंकि जब हम बात करें इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में तो इसके अंदर केवल जो सेल्स और परचेज इंडिया से रिलेटेड थी वही इंक्लूड हो रही थी. अगर हम सेल्स ऑफ परचेज जापान से कर रहे हैं, यूएसए से कर रहे हैं, तो वो इस एक्ट की एम्बिट के अंदर नहीं आ रही थी. दैट वॉज द मेन रीज़न कि हमने इसको एक्सक्लूड किया वहाँ से. Now, this act does not deal with the sale of immovable property. जो immovable property है उसको deal करता है transfer of property act हमारा. जो हमारी building हो गई, machinery हो गई, वो कौन से act से deal होती है? हमारे transfer of property act से. Next आ जाते हैं अगला. डेफिनेशन, वेरियस डेफिनेशन अंडर द एक्ट जो है उनको कवर अप करते हैं. सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स क्या होता है? गुड्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द एक्ट कि हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. देखो भाई, इमूवेबल तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अपना आ गया. तो सारी काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, और इसमें इंक्लूड करेगा मेरा जितना स्टॉक होगा, शेयर होगा, ग्रोइंग क्रॉप हो गया, ग्रास हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे गुड्स के अंदर इंक्लूड कर जाएंगी. फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक लैंड है जिसके ऊपर अभी लगा हुआ है वीट. अब ये मत बोलना कि मैम ये वीट की तरह डिज़ाइन नहीं लग रही, अज्यूम कर लो यार कि वीट है. तो ये वीट है, अभी लैंड मेरा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी. लैंड के ऊपर ये है मेरा क्रॉप. ये मेरा क्रॉप कौन से एक्ट से डील होगा? अगर ये मैं क्रॉप की सेल कर रही हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू होगा. तो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो मूवेबल वाला जितना भी पोर्शन है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू डील होता है अगर उसकी सेल एंड परचेज हो रही है. नाउ सेलर कौन हो जाएगा? वो पर्सन जो या तो बेच रहा है या अग्री कर रहा है बेचने के लिए. अग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया? मैंने आपको बोला कि यार आपके ये जो खेतों में वीट लगी हुई है, एक महीना है अभी इसको पूरा तरीके से सब कुछ सही होने में, मैं एक महीने के बाद आऊँगी और आपसे ये वीट खरीद के लेके जाऊँगी. दिस इज़ व्हाट अग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी गुड्स की फ्यूचर डेट में. सेल क्या? जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस करे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हो गई मेरी सेल. मैं एक शॉप में गई, वहाँ से मैंने कुछ खरीदा और मैं लेके आ गई. दिस इज़ व्हाट सेल हो गई. एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए? फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. देयर मस्ट बी टू पार्टीज. दो पार्टीज हैं, एक होगा सेलर, दूसरा होगा बायर. सेलर एंड बायर मस्ट बी डिफरेंट. ये नहीं मेरा खुद का ही वो खेत है
मेरे खुद का ही वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे वीट है, मैं खुद को ही सेल कर रही हूँ, खुद को ही परचेज कर रही हूँ। केवल दो दो पार्टीज यहाँ पे होनी चाहिए, सेलर और बायर, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। पार्ट ओनर कैन सेल गुड्स टू अनदर पार्ट ओनर। अगर मेरे ही ये जो लैंड है मेरे पास में, ये मेरा और मेरे ब्रदर का दोनों का है, मैं पार्ट ओनर हूँ, वो पार्ट ओनर है, वो अपना जो क्रॉप है मान लो वो मुझे सेल कर सकता है, मैं अपना उसको सेल कर सकती हूँ। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि क्या सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं होगी, वो सेपरेट पार्टनर सेपरेट पर्सन्स नहीं ट्रीट किए जा सकते कि एक पार्टनर ए है वो पार्टनर बी को प्रॉपर्टी बेच दे। किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप फर्म को। दिस कैन नॉट हैपन। देयर मस्ट बी मूवेबल गुड्स एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तो वहां पे मूवेबल गुड्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अब देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, इट मीन्स जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओनरशिप, नाउ देयर मस्ट बी प्राइस इन्वॉल्व। उसमें प्राइस इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो, मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। अगर हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो हमारा बार्टर होता है, वो मेरी सेल नहीं कहलाएगी। सेल कब होती है? जब मैं आपको गुड्स दे रही हूँ और बदले में कुछ कंसिडरेशन आपसे डिमांड करूँ, दैट इज वॉट, दैट इज मेरा सेल। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑब्जर्व, यानी कि सारे एलिमेंट्स देखेंगे हम लोग कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। वाले पोर्शन को यहाँ पे एक्सक्लूड करूंगी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है कैन बी एंटर्ड एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। एक्सप्रेसली कैसे? मैंने आपसे बोला, आपने मुझे बोला, बिल्कुल एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं आपके पास में गई, मैंने आपको बोला कि यार ये सोफ़ा मैं 10,000 में लेके जा रही हूँ, आपने ना हाँ बोला ना ना बोला, मैंने तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको जैसे बोला कि यार मैं ये सोफ़ा लेके जाऊँ आपसे, अगर मना कर रहे हो तो बोल दो, आपने कुछ नहीं बोला, इम्प्लाइडली हो गई ना सेल यहाँ पे। तो जब एक्सप्रेसली आप नहीं बोल रहे हो बट आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ऐसे इम्प्लाइड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया इम्प्लाइड वाला। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, या तो इमीडिएटली डिलीवरी हो सकती है, हम गए शॉप पे, हमने परचेज किया, इमीडिएट डिलीवरी हो गई, या हो सकता है ऐसा मैंने अभी पे कर दिया, डिलीवरी में बाद में ले रही हो, ऐसा हो सकता है मैं डिलीवरी अभी लेके आ गई, क्रेडिट सेल्स जिसको हम बोलेंगे, पैसा मैं बाद में दे रही हूँ, हो सकता है दोनों चीज़ें मेरी इंस्टॉलमेंट में जा रही हो, या हो सकता है दोनों चीज़ें मेरी फ्यूचर में हो। मैं बोलूँगी 2 महीने बाद आएंगे, आपको 10,000 देंगे और ये सोफ़ा लेके जाएंगे, आपने बोला ठीक, दिस इज ऑल्सो अ सेल। नाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड स्किल, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करते हैं दोनों चीज़ें, सर्विस भी और गुड्स भी। दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड स्किल बोलते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इन्वॉल्व करता है एक्सरसाइज ऑफ स्किल्स एंड लेबर बाय वन पार्टी ऑन सेम गुड्स और मटेरियल सप्लाइड बाय अदर पार्टी और सप्लाइड बाय द पार्टी हुज एक्सरसाइज स्किल एंड लेबर फॉर द प्राइस। यानी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मेरे होते हैं जहाँ पे गुड्स की सेल तो हो ही रही होती है, लेकिन केवल सेल होना इज़ नॉट, मैं बोलूँ पूरा कंप्लीट, इसके साथ साथ स्किल्स भी लग रही होती हैं। तो इस सिचुएशन में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ना बोल करके कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड स्किल बोलते हैं। एक डेंटिस्ट, जब आपका दांत चेंज करते आए, मान लो दांत में कीड़ा लग गया या कुछ लग गया, तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको एक टूथ चेंज करता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे उसने आपको टूथ भी दिया, गुड्स, लेकिन क्या ये हम सेल टर्म कर सकते हैं? क्योंकि क्या यहाँ पे उसकी स्किल्स भी इन्वॉल्व हो गई? यस। अभी एग्जांपल देखते हैं, देखो
देखो, एक डेंटिस्ट है, उसने अग्री किया है कि आपको सप्लाई करेगा आर्टिफिशियल टूथ, मटेरियल होली उसका था, ये सेल ऑफ गुड्स हो गया। क्यों? यहाँ पे केवल वो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये तो सेल हो गया। लेकिन अगर वो लगा भी रहा है आपके दांतों में, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड स्किल हो गया। एक आर्टिस्ट है, उसको बोला कि वो पेंट करे एक पोर्ट्रेट, मटेरियल पार्टी ने सप्लाई किया, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर हो गया, नॉट फॉर सेल। क्लियर यहाँ तक के? अब हमने बोला कि भाई गुड्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर सेल होती है, हमारा सब्जेक्ट मैटर, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स मेरे कितने टाइप के होते हैं? पहला मेरा एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स आर द गुड्स विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स हमारे तीन टाइप के। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ये हुआ कि जो गुड्स सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम शॉप पे गए और मैंने बोला कि मुझे एक कैडबरी डेरी मिल्क सिल्क चाहिए, उस टाइम पे सिल्क एग्जिस्ट कर रही होगी, उसका कोई वजूद होगा। ये कौन से मेरे गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स। मेरे एग्जिस्टिंग गुड्स तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप स्पेसिफिक गुड्स का, द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट शुड बी नोटेड दैट द गुड्स मस्ट बी बोथ इन आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। हमने बोला हम आपका कोई गोडाउन था, वहाँ पे गए, वहाँ पे मशीनरीज वगैरह थी, रखी हुई थी। मैं आपके गोडाउन में आई, मैंने वो मशीनरीज देखी, मैंने ये वाली मशीनरी, ये पर्टिकुलर मशीनरी मैंने चूज़ करी एक, मैंने बोला मुझे ये वाली मशीनरी चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, मैंने आइडेंटिफाई किया, आपने क्या बोला? अच्छा ठीक है, आपने उसको किया, ये कौन सा गुड्स? स्पेसिफिक गुड, जिस एक पर्टिकुलर गुड के ऊपर मेरा सेल हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे मशीनरी दे दो, मैंने बोला मुझे ये वाली मशीनरी लेनी है, दिस इज़ वॉट स्पेसिफिक गुड। अगला अनअसर्टेन्ड गुड्स, आप शॉप पे गए, आपने बोला मुझे एक सिल्क ओरियो दे दो, गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिल्क एग्जिस्ट कर रही है अभी, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपको ये ही वाली सिल्क मिलेंगी, बहुत सारी होंगी भाई उसके पास में, तो ये क्या हो गया मेरा? अनअसर्टेन गुड्स। अब आपने बोला सिल्क लेने के लिए, दुकान वाला अंदर गया, शॉप वाला अंदर गया, उसने फ्रिज में से सिल्क निकाली, ला के आपके सामने रख दी, आपसे पूछा ये? आपने बोला हाँ ये कौन सा गुड बन गया अब? असर्टेन गुड्स। दीज आर दी गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भाई मैंने सेल के लिए पहले बोल दिया था, मैंने परचेज करने के लिए पहले बोला था सिल्क है, आपने बोला हाँ है, मैंने कहा दे दो, उसके बाद सामने रखी, फिर मैंने उसको क्या किया? आइडेंटिफाई किया, हाँ दिस इज वर्ड मेरा असर्टेन गुड्स। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा तीनों के बीच में। फ्यूचर गुड्स क्या? जैसे मैंने ऑर्डर दे के कुछ चीज़ बनवाई है, तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो मेरा गुड था वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये कौन सा गुड्स मेरा? ये मेरा फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दीज गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं आपके पास में गई और मैंने आपको बोला यार मुझे ऐसा 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 सोफा डिजाइन कर दो, ऐसी ऐसी ड्रेस डिजाइन कर दो। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो गया, अग्रीमेंट टू सेल हो गया है, गुड्स हो सकता है बाद में आ रहे हैं एग्जिस्टेंस में, तो ये क्या हो गए मेरे? फ्यूचर गुड्स हो गए। देन आते हैं हमारे कौन से गुड्स? कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स भी एक तरीके के फ्यूचर गुड्स ही होते हैं। मैंने आपको बोला कि यार मेरे लिए वो सोफ़ा बना देना, आपने बोला अच्छा ठीक है मैम बना तो देंगे, लेकिन मेरा एक सामान आ रहा है बाहर से, अगर वो आ गया तो बना देंगे,
वरना नहीं। तो यहाँ पे ये जो मेरा गुड्स का प्रोडक्शन है या जो भी कुछ है, ये एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसके होने या ना होने पे डिपेंड कर रहा है, एक अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। दिस इज कौन से गुड मेरे कंटिंजेंट गुड्स। एग्जाम्पल देखो, ए अग्री कर रहा है सेल करने के लिए गुड्स को, कहाँ पे लोडेड है, जो कि शिप में लोडेड है, टाइटैनिक में, जो कि लंदन से आ रही है, बॉम्बे आ रही है। हमने बोला कि अगर शिप आ गई तो सेल कर देंगे, नहीं आई तो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, कंटिंजेंसी आ गई कि शिप हो सकता है आए भाई, हो सकता है ना आए, जरूरी तो है नहीं कि आ ही जाए। सो दिस इज व्हाट मेरे कंटिंजेंट गुड्स। नाउ प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। भाई जब भी मैं गुड्स परचेज करूँगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ कंसिडरेशन होगा ना, दैट इज वॉट, दैट इज मेरा प्राइस ऑफ द गुड्स। मैंने बोला यार मेरे लिए एक सोफा सेट बना दो 10,000 का, आपने पढ़ा, आपने बोला 10,000 का पड़ेगा, दिस इज वॉट, 10,000 इज वॉट प्राइस ऑफ द गुड्स। अब प्राइस जो है वो मेरी अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑफ ट्रेड भी हो सकती है, हो सकता है जो प्रिवेलिंग है उस पर्टिकुलर ट्रेड में वो प्राइस भी हो सकती है। वेयर एज वेयर द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एज अबव, द बायर शैल पे सेलर अ रीजनेबल प्राइस। अब ये देखो, हो सकता है भाई हम एक पर्टिकुलर एक चीज़ है, होता है ना कि हम लोग जब रिक्शे से या किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, इतना ही पड़ता है, यहाँ तक 20 रुपीज़ ही पड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ, यूजुअली इतना ही पड़ रहा है। तो ये प्राइस क्या है, एज पर द यूजेज ऑफ ट्रेड है, क्लियर हुआ। तो प्राइस आपका यूजेज पे भी बेस्ड हो सकता है या रीजनेबल प्राइस, यानी जितना होना चाहिए आपको लगता है। भाई आपने कभी नहीं ट्रैवल किया लेकिन आपने ट्रैवल करके गए, आपको लगा यार इतना जेन्युइन है प्राइस, दिस इज व्हाट हमारा रीजनेबल प्राइस। नाउ जब प्राइस आपका फिक्स्ड होता है बाय थर्ड पार्टी, इट इज सो कॉन्ट्रैक्ट शेल स्पेसिफाई नेम ऑफ थर्ड पार्टी, इफ दी थर्ड पार्टी फेल्स टू स्पेसिफाई, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड हो जाएगा। बट इफ गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर एंड यूज्ड बाय हिम, तो रीजनेबल प्राइस पे करना है। मैंने बोला आप और मैं मिल करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे थे, आप बायर थे मान लो, मैं सेलर थी, और एक जो प्राइस था वो किसी थर्ड पार्टी को डिटरमाइन करनी थी, वो नहीं हो पाया, आप नहीं डिसाइड कर पाया, मतलब थर्ड पार्टी नहीं डिसाइड कर पाई, जो भी प्राइस था फिक्स नहीं हो पाया। अब अगर मैंने आप तो आपको गुड्स दे दिए और उधर से प्राइस ही नहीं डिसाइड हुई, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है क्योंकि प्राइस नहीं डिसाइड हुई है बिना सर्टेनिटी के, प्राइस हमारा सर्टेन होना चाहिए। अब जब तक प्राइस मेरा सर्टेन नहीं हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, नल एंड वॉइड है। वॉइड का मतलब जो कि शुरू से ही जो है इलीगल है, या मैं बोलूँ वॉइड है, लेकिन फिर भी मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए थे, आपने यूज़ भी कर लिए, अब आपको मुझे पे करना पड़ जाएगा रीजनेबल प्राइस, यानी जेन्युइन जो आप प्राइस पे करना चाहो। अगर उस थर्ड पार्टी को कोई फोर्स कर रहा है कि आप प्राइस नहीं फिक्स करो, तो उस केस में जो भी पार्टी लायबल है वो पार्टी को पनिशमेंट मिलेगी या वो डैमेजेस पे करेगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है हमारे पास में ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, मैंने आपको बोला था ना वो मशीनरी जो थी, मैंने बोला ये मशीनरी मुझे चाहिए, ये मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई गोडाउन में, कुछ भी एक्स वाई जेड, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, स्टार्टिंग से ही वॉइड। अगर मेरे गुड्स खराब हो गए कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं क्योंकि गुड्स क्या थे, स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज टू बी नोटेड दैट अगर सेलर को नॉलेज थी डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की, इवन देन
एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द बायर, द सेलर जो है वो कंपनसेट करेगा बायर को। अगर उसको मालूम था कि ये गुड्स ख़राब थी और फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो बायर को कंपनसेशन पे करेगा। अब अगर थोड़ा पार्ट जो था गुड्स का वो पेरिशेबल है, मान लो पनीर खरीद रहे थे हम या कुछ भी, तो वो मान लो थोड़ा खराब था थोड़ा सही था, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स हो जाएगा पार्टली। अगर गुड्स इनडिविजिबल थे, कुछ ऐसा जो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा हमारा वॉइड एब इनिशियो। ओके अगर गुड्स पेरिश होते हैं अग्रीमेंट टू सेल के बाद में, लेकिन बिफोर दी सेल, अग्रीमेंट टू सेल क्या, जब हम लोग फ्यूचर में सेल करने का सोचते हैं, दैट इज नोन एज मेरा अग्रीमेंट टू सेल। अगर मैंने अग्रीमेंट किया कि मैं आपसे ये गुड्स खरीदूंगी 2 महीने के बाद में, अब अग्रीमेंट हो गया लेकिन सेल नहीं हुई, यानी अभी 2 महीने नहीं हुए, इसके बीच में अगर गुड्स मेरे ख़राब हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ सब्सिक्वेंटली गुड्स हैव पेरिश्ड और कोई डिफॉल्ट नहीं है बायर या सेलर के पार्ट पे। और हॉर्स जो है वॉज डिलीवर्ड अपॉन ट्रायल फॉर 8 डे, 8 दिन के लिए ट्रायल के लिए भेजा, हाउ एवर 8 दिन के अंदर अंदर डाई कर गया हॉर्स, हमारा मर गया और कोई गलती नहीं थी दोनों में से किसी की भी, तो लॉस किसका, सेलर का। अगर इस केस में बायर की गलती होगी जिसकी वजह से वो हॉर्स मर गया, अगर वो ट्रायल पे था, तो उस केस में लॉस कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशंस एंड वारंटी? जब सेल होती है तो आपको कुछ वारंटी वगैरह प्रोवाइड होती है, खरीदा है ना सेल फोन वगैरह, वारंटीज वगैरह मिलती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशंस एंड वारंटीज? जनरली एट द टाइम ऑफ सेल जो सेलर है वो मेक्स सम रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ स्टिपुलेशन, प्रेज करता है अपने गुड्स को, ये ऐसा है वो वैसा है। खरीदने जाते हैं ना तो बहुत सारा भाई बताता है कंडीशंस और सारी चीज़ें ना। सम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो है आर इन द नेचर ऑफ ओपिनियंस अदर्स फैक्ट्स के। ओपिनियन का मतलब, यार ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये ना सोफा ऐसे राउंड में आप लगाओगे ना तो आपके घर ऐसा है ना बहुत अच्छा लगेगा, दिस इज व्हाट ओपिनियन। फैक्ट क्या, इसके अंदर ऐसा मैंने वुड यूज़ किया है, ऐसा ऐसा वुड है ना ये, कि ये वुड आपका जो है ना 10 साल तक के नहीं खराब होता है, ये कपड़ा ऐसा है, दिस इज व्हाट फैक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। भाई हमने फैक्ट देखा कि अच्छा ये जो लकड़ी है जिससे ये सोफ़ा बना है या जो भी बेड बना है, ये 10 साल तक के ऐसे ही रहेगी, मतलब ठंड में भी बारिश में भी ऐसे ही ये रहने वाली है, इस फैक्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना हमारा, ये क्या हो गया मेरा, स्टिपुलेशन हो गया। नो स्टिपुलेशन जो है कंडीशनड भी हो सकती है या वारंटी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा इम्पोर्टेंस इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो स्टिपुलेशन जो कि एसेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कंडीशन बोलते हैं, और अगर इसका ब्रीच हुआ है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास में राइट है टर्मिनेट करने की कॉन्ट्रैक्ट को। स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो वारंटी है। भाई वारंटी का मतलब हमने बोला आपको कि अच्छा इसमें कुछ भी डैमेज होगा तो 2 साल तक के हम आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं वारंटी पे कायम ना रहूं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉइड नहीं होगा मेरा, गुड्स में कुछ नहीं, आप मेरे को ये जो डैमेज हुआ है भाई, आपको 2 साल में फ़ोन ख़राब हुआ, मैंने आपको वारंटी नहीं प्रोवाइड करी, यानी मैं आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ रिपेयर की, तब आप क्या कर सकते हो, रिपेयर के डैमेजेस मेरे से क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मुझे ये बोला था कि ये जो मैम आप फ़ोन लेके जा रहे हो ना, इसके अंदर ये पार्ट है ऐसा ऐसा है जिसकी वजह से मैंने फ़ोन ख़रीदा था,
वो पार्ट उसके अंदर थे ही नहीं। इस केस में अब आप उस गुड़ का डैमेज बेयर करोगे, क्लियर हो रहा है ना? तो हम अगर वो पार्ट ही नहीं है उसके अंदर, जो कंडीशन थी जिसकी वजह से, हो सकता है मैंने पर्पस था मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेने का, तो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हूँ। भाई आपने तो बोला था कि ये जो लकड़ी है ये 10 साल तक चलती है हमारी लकड़ी, ये लकड़ी तो ख़राब थी, ये तो 1 साल में ही जो है बारिश हुई और अभी देखो ये फूल गई है लकड़ी, दिस इज़ वॉट, अभी मैं टर्मिनेट कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर वो होगा यहाँ तक कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी। अब एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी वो होती हैं जो ओरल में या रिटर्न में मेरे पास में दे के रखी हो। इम्प्लाइड क्या होती है, जो कि इम्प्लाइड होती है बाय लॉ इन केस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या हो गई अब हमारी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस तो भाई जो एक्सप्रेसली मुझे लिख के रखी है ओरल में या रिटर्न में, इम्प्लाइड कैसे? फॉलोइंग आर द कंडीशंस इम्प्लाइड विच आर कंटेन्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंडीशन एज टू दी टाइटल। ना इम्प्लाइड कंडीशन है भाई, सेल कर रहे हो तो टाइटल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको। टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल कर सकता है। भाई आपने गुड्स बेच दिए उसके बाद में भी आपका टाइटल रहेगा क्या? नहीं ना। तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स बेचे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका टाइटल है वो भी आपका ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, मैंने गुड्स सोल करे थे उसको डिस्क्राइब करके कि यार ये गुड्स ऐसा है, ये गुड्स ऐसा है, ये इतना काम करेगा, इतना ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। भाई गाड़ी वाड़ी कुछ खरीदने जाते हो और डिस्क्राइब करते हैं ना, वो मैंने उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही गुड्स खरीद लिया। अब वो डिस्क्रिप्शन ही गलत थी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको टर्मिनेट कर सकती हूँ। तो कंडीशंस एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, मुझे सैंपल दिखाया किसी एक पर्टिकुलर टॉफ़ी का, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो टॉफ़ीज़ डिलीवर हुई हैं वो अलग हुई, दिस इज़ वॉट मेरा सेल बाय सैंपल। भाई मैंने तो सैंपल देखा था, सैंपल की क्वालिटी देखी थी, सैंपल का टेस्ट देखा था, लेकिन बल्क जो मुझे मिला, जो ओरिजिनल मिला वो अलग था। इन दिस सिचुएशन मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ। क्लियर? द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। इट मे इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन केवल लेटेंट डिफेक्ट्स पे अप्लाई होती है जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से नहीं पता चल सकते। भाई मैं सूट्स खरीद रही थी और मैं खुद ही, मान लो अगर बहुत बड़ा बड़ा उसमें फटा हुआ है और ऐसा कुछ है, मैंने खुद ही उसको लेके आ गई, मैंने चेक ही नहीं किया, तब मैं क्लेम नहीं कर सकती उसको, क्योंकि तब तो मैं, ये भी हो सकता है ना कि जो बायर है उसने खुद ही बाद में फाड़ दिया और उसके बाद में बोल रहा है। तो नहीं, इन्होंने बोला कि अगर ऐसा डिफेक्ट है जो कि देखने से पता चल सकता है उसके ऊपर नहीं, ऐसा कोई डिफेक्ट जो यूज़ करने पे पता चले, जैसे मेरा बैटरी फ़ोन मैंने खरीदा, उन्होंने बोला बैटरी बैकअप 15 घंटा, मैं घर पे लेके आई, मैंने यूज़ करना चालू किया, पता चला 10 दिन बाद 2-2 घंटे पे बैटरी मेरी चली जा रही है। अब इस सिचुएशन में मैं टर्मिनेट कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, क्यों? क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे खरीदा था। अगर दोनों के बेसिस पे खरीदा हो तो भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर डिफर करता है तो। नाउ कंडीशंस एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस, वेयर द बायर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बताता है सेलर को द पर्टिकुलर पर्पस विच ही नीड्स द गुड्स, और रिलाय करता है कि भाई सेलर जो है वो सही से बताएगा, और अगर तब भी उसकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो पाए उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में भी हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्रेसली उसको बताया था। मैं एक रेस्टोरेंट में गई और उस रेस्टोरेंट में जा करके मैंने बोला उनको कि मुझे इससे इस चीज़ से एलर्जी है, उन्होंने फिर भी खाने में डाल दिया। कंडीशन एज टू क्वालिटी, क्लियर? आई कैन रिजेक्ट इट देन। और कई बारी एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, जैसे एक्सेप्शनल कंडीशन क्या हुई कि
मैंने कुछ बताया नहीं था सेलर को, मैं एक पर्टिकुलर जो है लेके आई क्रीम, नॉर्मल थी वो क्रीम, सही थी, लेकिन मेरी स्किन ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी, मेरी स्किन पे रिएक्ट कर गई। अब इस सिचुएशन में मैं क्लेम नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी और मैंने बायर को नहीं बताया था। क्लियर? अगर मुझे उस पर्टिकुलर गुड्स को नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, लेकिन मैंने उस सेलर को नहीं बताया, तब उस केस में भी क्वालिटी और फिटनेस की कोई वो चीज़ नहीं होगी। मान लो मैंने हॉट वाटर बॉटल ली, सॉरी कोल्ड वाटर बॉटल कर देते हैं इसको, कोल्ड वाटर बॉटल ली मैंने, और मैंने सोचा कि यार कोल्ड वाटर बॉटल है, इसमें तो हॉट भी आ जाएगा, एक काम करते हैं हॉट रख लेते हैं। मैंने जैसे इसमें ठंडा वाला पानी डालने की बॉटल में मैंने बहुत गर्म पानी डाल दिया, हुआ क्या, मेरी बॉटल टूट गई अंदर से, उसमें जो ग्लास लगा हुआ था ठंडा करने के लिए पानी, वो हो सकता है ख़राब हो गया, वो टूट गया। इस सिचुएशन में मैं क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने खुद ही मल्टीपल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया, लेकिन ख़रीदते टाइम मैंने ये चीज़ सेलर को नहीं बताई थी। क्लियर हुआ होगा आई होप यहाँ तक। अब इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या होती हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस तो मैंने डिस्कस कर ली, इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या होती हैं हमारी? वारंटी एज टू क्वाइट पोजिशन, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट शोइंग कॉन्ट्ररी इंटेंशन, देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी दैट दी बायर शैल हैव एन एंजॉय क्वाइट पोजिशन ऑफ दी गुड्स। मैंने जब आपसे सोफ़ा ख़रीदा या फ्रिज परचेज करी, तो भाई एक इम्प्लाइड वारंटी होती है ना, कि आप अब आपने बेच दिया, टाइटल मेरे को ट्रांसफ़र हो गया है, तो दैट मीन्स मैं ही यूज़ करूँगी उसको। आप मेरे घर पे आ रहे हो, बोल रहे हो एक बोतल पानी मेरा लगा दो या ठंडा कर दो, आप बार बार आ रहे हो, बोल रहे हो यार सोफ़ा बहुत अच्छा है, मुझे सोना है इसके ऊपर, दिस इज़ वॉट, ये आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इम्प्लाइड वारंटी ये होती है कि आपने अगर गुड्स को सेल कर दिया, अब ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, अब ये टाइटल किसका हो गया, बायर का हो गया, अब वो यूज़ करेगा, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। नाउ वारंटी अगेंस्ट इनकम्ब्रेंसेस, अनलेस दी सर्कमस्टेंसेज जो हैं केस के आर सच एज टू शो अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, देर इज एन इम्प्लाइड वारंटी, जो गुड्स हैं शैल बी फ्री ऑफ एनी चार्ज या इनकम्ब्रेंस, यानी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। नाउ सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्ब्रेंसेस, ठीक है, इनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या हुआ, पहले ये देख लेते हैं। लीगल लायबिलिटी तो नहीं है, मान लो कि मैंने आपको जो गुड्स बेचे थे वो मैंने किसी के पास गिरवी रखे थे या ऐसा कुछ, तो ऐसे गुड्स मैं आपको नहीं दे सकती, तो ये क्या है, वारंटी अगेंस्ट इनकम्ब्रेंसेस। वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, यूजुअली जो इस टाइप के गुड्स होते हैं, जो सोफ़ा होता है वो इतने साल चलता है, आपका वाला हो सकता है 6 महीने में ख़राब हो गया, तो ये क्या हो गया, वारंटी, ये इम्प्लाइड वारंटी है आपकी, क्योंकि यूजुअली जो सोफ़ा सेट्स होते हैं वो हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई इतने इतने साल चलते हैं, यूजुअली हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, कहीं पे लिखा नहीं होता है मोबाइल फ़ोन जब हम ख़रीदते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, बट हम अज्यूम तो करते हैं ना कि यार इतने टाइम तक चलेगा। आप फ़ोन लेके आए 1 महीने में ही ख़राब हो गया, क्या हम ये बोलते हैं यार इसकी तो क्वालिटी बड़ी ख़राब थी, इतना तो ये था, क्या हम क्लेम करते हैं सेलर के ऊपर फिर कि फ़ोन तो आपका चल ही नहीं रहा 1 महीने में, क्यों करते हैं, क्यों हम उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं, भाई उसने तो नहीं बोला था कि जो 2 साल चलेगा या 4 साल चलेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो फ़ोन्स होते हैं वो कम से कम 2 साल तो मेरे चलते हैं आजकल, या 3 साल तो मेरे चलते हैं फ़ोन, इसीलिए मैं उसके ऊपर क्लेम कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। वारंटी टू डिस्क्लोज द नेचुरल डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, क्या जब भी सेल करते हैं तो जो भी प्रोबेबल डेंजर होता है गुड्स से रिलेटेड, क्या हम उस डेंजर को डिस्क्लोज करते हैं, यस और नो? देखा है सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है सारी चीज़ें, ये इन्हें सोल्ड करा 10 ऑफ डिसइन्फेक्टेंट किसको, बी को, नोइंग दैट इट वॉज लाइकली टू बी डेंजरस टू दी 10,
वेयर अपॉन डिसइनफेक्टेड पाउडर जो था वो आइस में चला गया। भाई टिन में है तो जब वो खोलेगा एकदम से तो वो पाउडर उछलेगा ना एकदम से, उसके आंख में चला गया, उससे डेंजर, उसको जो है इंजरी हो गई। तो इन्होंने बोला कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसके आंख में जाने से या किसी चीज़ से डेंजर हो सकता है, कि आपने कभी शैम्पूस की बोतल में पीछे देखा है ये चीज़ लिखी है कि अगर आई से कांटेक्ट होता है तो इमीडिएटली रिंस करना है आपको, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स। क्यों लिखते हैं ये? कि वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर कल को आपकी आंख में चला गया, आपने बोला कि भाई आपने तो बताया ही नहीं था आँख में जाने से ऐसा होता है, हमें तो लगा था कि ये जॉनसन्स बेबी की तरीके है, आँख में जाएगा तो नो मोर टीयर्स वाला चीज़ है, तो आप क्लेम ना करो, इसलिए वो पहले से ही बता देते हैं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रीन ऑफ केवियट एम्प्टर? डॉक्ट्रीन ऑफ केवियट एम्प्टर बोलता है लेट दी बायर बिवेयर। हालांकि अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो हम लोग ने बायर को जो है एकदम हायर पॉइंट पे बैठा दिया है। तो लेट दी बायर बिवेयर का मतलब, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी सेल्स होती थी ना उसके अंदर अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते थे या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हम लोग ब्लेम किसका मानते थे? बायर का मानते थे कि भाई आपको देख के खरीदना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं देख के खरीदा। तो केवियट एम्प्टर ये बोलता है कि ही शुड बी केयरफुल, कि जो गुड्स परचेज करे हैं वो उसका पर्पस सर्व करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो खुद ही केयरफुल नहीं था, उसने सही से गुड्स ही नहीं चूज करे, तो वो सेलर को लायबल नहीं बता सकता। भाई उसको चाहिए था बॉटल जो 4 लोगों का पानी लेके जाए, उसने खुद ही छोटी सेलेक्ट करी, तो अब इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। भाई लेट द बायर बीवेयर, तो सेलर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अगर आर्टिकल में कोई डिफेक्ट भी निकल जाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब क्वालिटी को लेकर के, हम अगर हॉट वाटर बॉटल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लाइड कंडीशन है ना कि भाई क्वालिटी होनी चाहिए बॉटल की। यूजुअली हॉट वाटर, हॉट बॉटल, हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग कब होता है, कितने डिग्री पे, इतने पे? तो हमने बोला कि भाई इतने पे बॉईल होता है, बॉइलिंग पानी रखने के लिए हमने लिया है हॉट बॉटल, और हमने जब उसके अंदर डाला तो वो बॉटल टूट गई, तो इस केस में सेलर लायबल हो जाएगा, ये एक्सेप्शन नहीं है। अब इसमें कैसे बायर देखेगा कि भाई अगर इम्प्लाइड कंडीशन है क्वालिटी से रिलेटेड, आपने क्वालिटी ही ख़राब भेज दी, तो इसमें लाइक जो है केवियट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। अगर गुड्स सोल करे हैं डिस्क्रिप्शन के साथ में, हमने बता के भेजा है कि भाई ये मेरी जो है सोफ़ा सेट है, इसका वुड ऐसा है, इसका वुड ऐसा है, ये है वो है, हमने ऐसे करके बेचा, और उसके बाद में पता चला कि वो उल्टा ही था गुड्स हमारा, सो इस केस में भी लेट द बायर बिवेयर अप्लाई नहीं होगा, सेलर लायबल हो जाएगा। एडिबल आइटम्स हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो अगर इसमें भी कुछ डिफॉल्ट आता है तो सेलर लायबल हो जाएगा। यूजुअली जो यूजेज है भाई, कि 4 साल तक या 2 साल तक हमारा फ़ोन चलता है, आपका फ़ोन 6 दिन में ही ख़राब हो गया, इम्प्लाइड कंडीशन है, तब सेलर लायबल हो जाएगा उस केस में। अभी आ जाते हैं, हु इज़ अ अनपेड सेलर? अनपेड सेलर मेरा कौन होता है? सेलर इज डीम्ड टू बी अनपेड फॉलोइंग केसेस के अंदर। उस सेलर को जिसको प्राइस या तो फुल में ना पे हुई हो या तो पार्ट में ना पे हुई हो, 100 रुपये का गुड्स था, अगर उसको 10 रुपये भी अभी नहीं मिले, 90 मिल गए हैं, स्टिल वो अनपेड सेलर कहलाएगा। मैंने कुछ गुड्स खरीदे आपसे और मैंने आपको चेक दिया साइन करके, वो चेक बाउंस हो गया, आप क्या हो गए, आप क्या हो गए, आप अनपेड सेलर हो गए। सेलर जिसने ऑब्टेन किया है डेकरी फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स विल ऑल्सो बी एन अनपेड सेलर इफ द डेकरी हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेकरी? डेकरी का मतलब क्या होगा? एक ऑफिशियल ऑर्डर अगर उसको मिला है, ठीक है, उसको ऑर्डर हुआ है किसी चीज का, लेकिन उसके बाद में भी उसको पेमेंट नहीं मिला,
जब सेलर ने पे किया है लार्ज अमाउंट, लेकिन स्मॉल पोर्शन मान लो रह गया है, 100 रुपये में से 90 उसने पे कर दिए, फिर भी अभी 10 रुपये नहीं पे किए, स्टिल अनपेड सेलर, देन हमारा अनपेड सेलर के पास में कुछ राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स उसके पास में गुड्स के ऊपर होते हैं, कुछ राइट्स उसके पास में बायर के अगेंस्ट होते हैं। अभी देख लेते हैं कि राइट्स अगेंस्ट गुड्स क्या क्या है। पहला मेरा राइट ऑफ लाइन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट टू रीसेल। राइट टू लाइन का मतलब उसके पास में राइट है कि वो गुड्स को रिटेन करे जब तक अमाउंट वो रिकवर ना कर ले बायर से, गुड्स के ऊपर जिसको हम बोले कब्जा कर लेना। अब अगर आपको गुड्स के ऊपर कब्जा करना है जब तक बायर पैसा ना दे, तो उस सिचुएशन में आप कब्जा कब्जा करने की सिचुएशन में कुछ कंडीशंस हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी है, जिसके बाद ही हम कब्जा कर पाएंगे। क्या क्या वो कंडीशंस हैं कि वो क्या होना चाहिए? अनपेड सेलर होना चाहिए, देयर शुड बी नो क्रेडिट टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई क्रेडिट के टर्म्स नहीं होने चाहिए। भाई हमने खुद ही बोला कि आप मुझे 4 महीने के बाद पैसा देना, और मैं बोल रही हूँ कि मैं अनपेड सेलर हूँ। क्यों भाई, जब आपने खुद ही उधार पे बेचा है 4 महीने के लिए, तो आप कैसे हो गए? और आप कैसे उसके ऊपर कब्जा कर लोगे गुड्स के ऊपर, जब तक आपने खुद ही जब कहा है कि 4 महीने के बाद पैसा देना है। नाउ जो अनपेड सेलर है वो लॉफुली गुड्स को ऑब्टेन करे, ये नहीं ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट पीरियड जो राइट है लाइन की वो एक्सरसाइज करी जा सकती है। भाई 4 महीने के लिए मैंने बोला, 4 महीने के बाद अगर उसने पैसा नहीं दिया तब हम गुड्स पे कब्जा कर सकते हैं। अमाउंट जो है मस्ट बी ड्यू ऑन दोज गुड्स ओनली अगेंस्ट विच राइट ऑफ लाइन जो है वो डिसाइड हुई है। ये नहीं कि मैंने उसको 2 गुड्स बेचे थे, एक पे तो उसने पैसा दिया है, दूसरे पे उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं दोनों को कब्जा कर लूँ, नहीं। जिसके ऊपर राइट टू लाइन अप्लाई होती है केवल उसी गुड्स के ऊपर अप्लाई होगी, उससे दूसरे गुड्स का कोई लेना देना नहीं होगा। बीच रास्ते पे रोक लेना गुड्स को। राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर अनपेड सेलर है तो वो गुड्स को रास्ते में भी रोक सकता है। अगर वो अनपेड सेलर है या उसको ये लगा कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, भाई रास्ते में ही गुड्स थे, मुझे पता चला कि जो सेलर है, जो मेरा बायर है, वो इंस्टॉलमेंट हो गया है और उसने अभी तक मुझे पैसा दिया भी नहीं था, तब मैं गुड्स को रास्ते में ही रोक सकती हूँ। एक कंडीशन पे मैं गुड्स को रास्ते में नहीं रोकूंगी, अगर बायर मेरा इंस्टॉलमेंट होगा तब भी। किस कंडीशन पे? जब मैंने बायर को टाइम दिया था कि वो मुझे पैसा देगा 4 महीने के बाद, क्रेडिट पे मैंने सेल किया, आज मैंने गुड्स यहाँ से भेज दिए, रास्ते में गुड्स थे, मुझे लगा, मुझे पता चला कि यार ये जो बायर था इसकी तो कंपनी ही बिक गई पूरी, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं फिर भी गुड्स नहीं रोक सकती अपने, क्योंकि 4 महीने तक क्रेडिट पीरियड है। आप अनपेड सेलर हैं ही नहीं, तो आप स्टॉप कर ही नहीं सकते गुड्स को। नाउ देयर शुड बी नो क्रेडिट टर्म्स, और अमाउंट जो है वो ड्यू होना चाहिए उन गुड्स पे जिस पे हमें राइट एक्सरसाइज करनी है। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी रिफ्यूज कर दे बायर को जो है डिलीवर करने से, चाहे सेलर के कहने पे या किसी और रीजन से, तो हम बोलते हैं कि गुड्स हमारे क्या है, ट्रांजिट में है, और ट्रांजिट में सेलर रोक सकता है गुड्स को। अगर सेलर ने सॉरी अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बायर को कॉन्टैक्ट किया और बायर ने बोला यार अभी तो मैं नहीं गुड्स ले पाऊंगा, एक काम करो अपने पास में रखो गुड्स को और मैं आपसे कलेक्ट करता हूँ, इस केस में गुड्स अब ट्रांजिट के अंदर नहीं है क्योंकि अब बायर ने नहीं लेके गया गुड्स। ना राइट टू रीसेल ऑफ गुड्स, अगर अनपेड सेलर है और बायर नहीं दे रहा है उसको पैसा, तो जो सेलर है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को। रीसेल करने से पहले नोटिस देगा वो बायर को कि वो रीसेल कर रहा है। अब अगर 100 रुपये का गुड्स था,
रीसेल किया 90 रुपये में, लॉस हुआ 10 रुपये का, ये वो पहले वाला जो बायर था ना उससे रिकवर करेंगे। अगर सेल हुआ 110 का, तो ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट है ये सेलर अपने पास रखेगा, यानी बायर का हक प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन अगर लॉस होगा तो उससे पैसा हम ज़रूर लेंगे। नाउ अनपेड सेलर की राइट्स बायर के अगेंस्ट क्या क्या है? भाई उसको स्यू कर सकते हैं प्राइस के लिए, आपने मुझे प्राइस नहीं किया, मैं उसके आपको बिल्कुल सू कर सकती हूँ कंपनसेशन के लिए। नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट रिकवर करने के अनपेड प्राइस को। इन द केस ऑफ सेल सूट वुड बी मेड फॉर प्राइस बैलेंस नॉट फॉर कंपनसेशन। ठीक है, हमें कंपनसेशन के लिए नहीं करनी है सूट फाइल, लेकिन जितना भी प्राइस मेरा अनपेड है उसके लिए करनी है। भाई हम ये नहीं कहेंगे कि यार हमने गुड्स दिया था, हमें कंपनसेशन चाहिए इसके बदले, नहीं, मेरा 100 रुपये का गुड्स था, मुझे यही 100 रुपये चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी 100 रुपये के लिए सूट फाइल करूंगी केवल, इसके अलावा कोई कंपनसेशन नहीं, केवल यही मिलेगा। मतलब मुझे कंपनसेशन का यहाँ पे मतलब ये था। नाउ राइट टू स्यू टू इंटरेस्ट इफ़ द बायर मेक्स अनरीजनेबल डिले, उसको 4 महीने में पेमेंट करना था, उसने 10 महीने लगा दिए, ये 6 महीने जो बीच में इसने एक्स्ट्रा लगाए हैं, इसका इंटरेस्ट जो है वो सेलर क्लेम कर सकता है बायर से। राइट टू स्यू फॉर कंपनसेशन, जब हमने अग्रीमेंट किया सेल करने के लिए, मैं आपके पास में आई, मैंने आपको बोला कि यार मुझे सोफ़ा सेट चाहिए, आपने बोला अच्छा ठीक है 2 महीना लगेगा बनवा देते हैं, हमने बोला ठीक है, आपने बोला 10,000 का है, मैंने बोला ठीक है, अब मैंने आपके से सोफ़ा परचेज ही नहीं किया, आपने बना लिया, अब क्या आपको लॉस होगा इसका? तो आप अब मुझसे इस केस में प्राइस तो नहीं कर सकते, प्राइस के लिए मुझे स्यू नहीं कर सकते पूरे 10,000 के लिए, क्योंकि गुड्स तो आप ही के पास में है, कंपनसेशन के लिए स्यू कर सकते हो आप मुझे, आपका जो भी लॉस हुआ है कि आपने 2 महीने तक इसको पूरा बनाया या जो भी, उसके लिए आप मुझे क्लेम कर सकते हो। ओके, लास्ट राइट टू स्यू फॉर एंटिसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन एन अग्रीमेंट टू सेल आपका ब्रीच हुआ है परफॉर्मेंस से पहले, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच कहलाते हैं, कहलाती है ये, तब भी जो सेलर है वो ड्यू जो है स्यू कर सकता है कंपनसेशन को, यानी कि चाहे आपका जिस दिन सेल होनी है उस दिन ब्रीच हो रही है, या हो सकता है पहले ब्रीच कर गई हो, या कुछ भी, सेलर आपका कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। ये था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं आपके पास में, जो भी बुक अवेलेबल होगी, चाहे आपके पास में संगीत केड़िया की बुक है, LLB की कोई बुक है, या कोई और सी बुक है, आप उससे इस एक्ट को रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अगला एक्ट हमारी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की यूनिट से कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।